हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप स्टिक फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो। स्टिक फाउंडेशन को अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कई बार जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं वो हमारी स्किन पे पैची या कैकी भी नजर आते हैं। आज मैं आपसे कुछ ट्रिक शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप स्टिक फाउंडेशन को आसानी से ब्लेंड और अप्लाई कर पाओगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर लगाऊंगी। मैं एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज कर रही हूँ। आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो। मैंने प्राइमर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लेना। अब मैं 5 मिनट का वेट करूंगी ताकि जो प्राइमर मैंने लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। फाउंडेशन के लिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज करूंगी, ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है। इसका शेड नेम साइड डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इस स्टिक फाउंडेशन को मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। स्टिक फाउंडेशन मोस्टली ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होते हैं। स्टिक फाउंडेशन को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। मैं इस फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। सेम स्टिक फाउंडेशन को मैं अपनी गर्दन और डार्क सर्कल पे भी अप्लाई करूंगी। अब फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं इस स्पंज का इस्तेमाल करूंगी। ये स्पंज हमें मोस्टली फेस पाउडर के साथ भी मिलती है, तो आप उसमें से लेके इस्तेमाल कर सकती हो, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन या लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। मैं इसको हल्का सा ठंडे पानी में डिप करूंगी। ऐसा करने से फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। अब मैं इस स्पंज को डैबिंग मोशन में प्रेस करते हुए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करूंगी। आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ होती है वो नीचे के साइड पे होती है। अब इसी तरह से मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूंगी। क्योंकि हमने पहले ही स्पंज को ठंडे पानी में डिप किया था, इस वजह से हमारा फाउंडेशन अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ऐसा करने से जो हमारा बेस होता है वो वाटरप्रूफ बन जाता है। अगर आपके ड्राई स्किन है तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। जब भी आप अपने आई एरिया पे कंसीलर या फाउंडेशन ब्लेंड करें तो हमेशा ऊपर की साइड देखें। ऐसा करने से आपका फाउंडेशन या कंसीलर अच्छे से ब्लेंड होगा और बिल्कुल भी क्रीज भी नहीं होगा। नाउ प्रेस करते हुए अपने आई एरिया पे फाउंडेशन को ब्लेंड करें। सेम टेक्निक से नेक पे भी आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, ऊपर से नीचे की साइड लाते हो। अब आप देख ही सकते हो मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी कैकी या पैची नहीं लग रहा। अब अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं फेस पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे बस हल्का सा ही लेके पूरे फेस पे लगा लूंगी। नाउ आप देख सकते हो कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो चुका है और ये बिल्कुल भी पैची या कैकी नहीं लग रहा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने अपना न्यू वीडियो अपलोड किया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।